नमस्कार दोस्तों, मध्य प्रदेश के भविष्य के सभी शिक्षकगण, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल भारत इन्फोटेक में। जैसा कि आप हेडिंग में देख चुके हैं, आज हम जिस विषय में बात करने वाले हैं वो है मध्य प्रदेश शिक्षक भर्ती 2018-19 वर्ग एक और वर्ग दो के लिए। वो सभी बातें जो आपको जानना जरूरी है, आवश्यक जानकारी, क्योंकि अभी जो है शिक्षक भर्ती का आंसर की वर्ग दो की जारी हो चुकी है। अब हमें जिस चीज़ का इंतजार है, जिस चीज़ की ज़रूरत है, वो जानना जरूरी है। क्योंकि यहाँ पर अब बात करेंगे आज हम जिस विषय में कि आपको कौन कौन से वो डॉक्यूमेंट्स है जो लगाना जरूरी है। जैसे ही परीक्षा जो है अभी लोकसभा की आचार संहिता पूरे प्रदेश में चल रही है, और जैसे ही लोकसभा चुनाव आचार संहिता और परिणाम आ जाता है, उसी प्रकार आपका रिजल्ट भी यहाँ पर जारी कर दिया जाएगा। और वर्ग तीन की विज्ञप्ति भी जारी कर दी गई है, ऐसा मुझे महसूस हो रहा है। और मैंने एक न्यूज़पेपर में भी आया था आज के, मैंने वो न्यूज़ नहीं डाली हालांकि आपके लिए, लेकिन विज्ञप्ति जारी हो चुकी है। लोकसभा चुनाव के बाद वर्ग तीन के मित्रों भी अपनी कमर कस लीजिए और तैयारी में जुट जाइए, क्योंकि आगे के आने वाले 3 महीनों के अंदर व्यापम ने भी जारी कर दिया है पूरा पीएबी का, और आपकी भी भर्ती जरूर होगी दोस्तों। तो बिल्कुल होपफुल रहिए वर्ग तीन के लिए। और वर्ग एक और वर्ग दो के लिए वो मित्र जिनका परिणाम के बाद किस तरीके से आपकी ज्वाइनिंग होगी, वो सभी जानकारी आज हम इस वीडियो के माध्यम से शेयर करने वाले हैं। तो कुछ वो डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको जानना जरूरी है। जैसे कि आपको मैं बता दूं, अधिकांश मैंने जो कमेंट पढ़ी है अपने वीडियो में, अधिकांश वो मित्र थे जो कह रहे थे कि सर हमारा जो है रनिंग में चल रहा है, तो क्या रनिंग वालों का यहाँ पर कोई चांस रहेगा दोस्तों? तो मैं आपको बता दूं कि रनिंग में जो विद्यार्थी हैं, मेरे मित्रगण हैं, उनके लिए जो है एक अंतिम अवसर यहाँ पर मिलेगा। जैसे कि रिजल्ट आपका आ जाएगा चुनाव के बाद, तो हो सकता है कि आपकी फाइनल मार्कशीट आपको प्राप्त ना हो पाए, लेकिन कुछ डॉक्यूमेंट्स आपका जो ओरिजिनल ना मिलके आपको जो आपके रिजल्ट के समय आपको प्राप्त हो जाएगी, आप वो भी लगा सकते हैं। इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं कि आपको ओरिजिनली चाहिए जो मार्कशीट आपकी वहां से निकलेगी। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, आपके जन्म प्रमाण पत्र के लिए आपको 10वीं की मार्कशीट आपको अपडेटेड रहना चाहिए, जो आपकी तिथि उसमें रहती है वो आपको उसमें होना जरूरी है। और तीसरी बात इंपॉर्टेंट आपके लिए ये है कि आपने जैसे बीएड डीएड किया होगा तो उसकी ओरिजिनल मार्कशीट आपके पास होना चाहिए। अब कुछ लोग हैं जो पूछ रहे हैं कि सर डिग्री और मार्कशीट में क्या रहेगा, मार्कशीट तो मानी जाएगी कि डिग्री की मान्यता दी जाएगी दोस्तों? तो मैं आपको बता दूं कि मार्कशीट में जैसे आपने ग्रेजुएशन किया हुआ है तो मार्कशीट के अलावा डिग्री यदि आपको नहीं मिली है तो आपको अनिवार्य तो नहीं है वैसे तो अभी अभी किसी भी प्रकार के पीवी ने कोई भी एग्जाम लिए हैं इसमें मान्य नहीं रखी गई है, लेकिन कभी बाय चांस आपको इसकी ज़रूरत पड़ती है या अनिवार्य करते हैं तो आप एक एप्लीकेशन देके अपनी यूनिवर्सिटी से आपको उसको निकलवा सकते हैं। चलिए, तो कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी यहाँ नियम पुस्तिका में भी दी गई है जो आपको जानना जरूरी है, पढ़ लेते हैं इसको भी। ऑनलाइन आवेदन के साथ आवेदक को निम्नलिखित अनिवार्य दस्तावेज स्नेक कराने पड़ेंगे, स्कैन कौन कौन से हैं? तो ये जो इन्होंने बताए हैं, ऑनलाइन आवेदन पत्र के साथ अभ्यर्थी को कलर फोटो हस्ताक्षर स्वयं हस्तलिपि दो प्रारूप। तो आपको ये जानना जरूरी है कि जिस समय आपने पेपर दो फॉर्म भरे थे तो उस समय आपको एक फ़ोटो के साथ आपको फॉर्म मिला होगा, तो उस फोटो के फॉर्म को आपको 3 कॉपी कराना है। वो आपको उस समय लगेगा जब आपकी ज्वाइनिंग होगी परीक्षा, जो आपका परिणाम के अंदर आएगा, तो उसके बाद ही आपको जो है उसकी फ़ोटो जो आपके साथ थी वो जानना जरूरी है और रखना है आपके पास में। तीसरी बात, आधार कार्ड की जन्मतिथि और 10वीं की मार्कशीट की जन्मतिथि को भी आप देख लीजिए, क्योंकि उसमें भी कभी कभी भ्रमित कर देते हैं। आपकी जो मार्कशीट रहती है वो जो उसमें जन्मतिथि दूसरी रहती है और दूसरी, तो एक आप ऑनलाइन के देख सकते हैं, आप अपने घर पे अभी हो तो आप चेक कर लीजिए कहीं कहीं उसमें कोई मिस्टेक तो नहीं है। उसके अलावा यहाँ पर चौथी एक इंपॉर्टेंट बात निकल के आती है कि जो अभी रनिंग वाले चल रहे हैं तो उनके लिए कोई दिक्कत नहीं है। आपका जो फाइनल ईयर यदि आप चल रहा है आपका, तो उसका जैसे रिजल्ट आता है तो उसके 1 या 2 महीने बाद यदि आपकी ओरिजिनल मार्कशीट ना आके आपका ऑनलाइन से निकल आती है तो ऑनलाइन वाली मार्कशीट भी आप लगा सकते हैं, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं। और साथ ही साथ आपकी जो रिजल्ट प्रमाण, जो रिजल्ट की मार्कशीट आएगी आपकी पीबी डाउनलोड के लिए कहेगा, तो वो भी आप उसमें लगाना जरूरी है। कुछ और इन्होंने दिए, ऑनलाइन आवेदन पत्र में जन्मतिथि के प्रमाण पत्र तो 8वीं 10वीं 12वीं अंक सूची स्कैन कराएं तो ये आपके पास बिल्कुल होगी 10वीं और मार्कशीट की। अनुसूचित जनजाति, जनजाति, अनुसूचित जाति और जनजाति अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों के जाति प्रमाण पत्र स्कैन, तो जाति प्रमाण पत्र की बात आप ध्यान रख लीजिएगा। जाति प्रमाण पत्र होना, मध्य प्रदेश का मूल निवासी होना, ये बहुत जरूरी है आपके लिए। यदि नहीं है तो आप इसके लिए कहीं ना कहीं से जैसा भी करवा लीजिए, क्योंकि ये दस्तावेज आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाले हैं। इसके बाद कुछ और इन्होंने दिए हुए हैं, ऑनलाइन आवेदन पत्र में अभ्यर्थी कलर फोटो हो गया है जिसके फोटो ऊपरी भाग में हस्ताक्षर नीचे भाग में होंगे, तो फोटोग्राफी अच्छी गुणवत्ता वाली रखें जो कि आपने उस समय कराई थी, और अभ्यर्थी का फोटोग्राफ सामने से खींचा हुआ होना चाहिए जिसमें अभ्यर्थी दोनों कान भी स्पष्ट दिखाई दें। उपरोक्त मापदंड के फोटोग्राफ संलग्न नहीं किए जाने पर आवेदन के पत्र निरस्त किए जा सकते हैं। तो ये कुछ इन्होंने और दिया हुआ है जो कि फॉर्म भरते समय आपने शायद इन चीज़ों को पढ़ा होगा, पहले से जानकारी ले चुके होंगे, तो ये कुछ जानकारी आपको जानना जरूरी था। और इसके अलावा आपको क्या दिक्कत आ रही है हमें कमेंट करके जरूर बताएगा। जो
डॉक्यूमेंट्स आपको मैंने बताए हैं वो तो जरूरी है आपके लिए, और इसके अलावा आपके पास क्या है, आपको कुछ कन्फर्मेशन करना है तो कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। मैं बिल्कुल आपके लिए नेक्स्ट वीडियो जरूर बनाऊंगा उसके ऊपर से। इस वीडियो में तो इतना ही दोस्तों, जय हिंद जय भारत।